हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, काफी सारे दिनों बाद आज हम सभी ने मिलकर मार्केट को 16,000 के पास जाते हुए देखा, ऊपर की क्लोजिंग आती हुई देखी, बट फाइनल क्लोजिंग 15,990 की रह गई। ये फाइनल क्लोजिंग है, अगर प्रोविजनल क्लोजिंग देखें तो 16,005 की आई थी, जो कि 16,000 के ऊपर की मानी जाएगी। एक फैसला मात्र, सरकार का एक फैसला जिसने आज की मार्केट की रैली को लीड कराया, एक फैसले ने। कल ही आप सभी के साथ मैंने ये वीडियो शेयर करी थी कि कल 11 बजे एक बहुत बड़ी मीटिंग है कैबिनेट की, और वो उसके बाद कौन से स्टॉक्स आपके फोकस में होने चाहिए। अगर आपको याद हो तो कल मैंने आप सभी के साथ FMCG से ब्रिटेनिया का स्टॉक रिकमेंड करा था। आज स्टॉक में बहुत शानदार थी, एंड ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा FMCG पैक ही भागा है। आपके साथ जो वीडियो शेयर करी थी वहां क्लियरली कहा था कि इस सरकार के फैसले से FMCG स्टॉक्स को सबसे बड़ा फायदा होगा, एंड आप सभी ने देखा आज के सेशन में मार्केट को लीड करते हुए दिखे FMCG सेक्टर्स। इनफैक्ट वो सारा ग्रुप लीड कर, अगर आप मार्केट को देखोगे ना ओवरऑल ब्रॉडर बेस पे, तो आपको ऐसा कोई तेजी नहीं दिखेगी जहां पे मतलब कि सारे 1600 शेयर्स पॉजिटिव है, 200 शेयर्स नेगेटिव है, ऐसा कुछ नहीं है। 1133 शेयर्स एडवांस है, उसके सामने 790 शेयर्स, ऑलमोस्ट 800 शेयर मान लीजिए आप डिक्लाइन हुआ, तो रेशियो ज्यादा चेंज नहीं है। मिड कैप आधे परसेंट तेज, मिड कैप 2% तेज था, स्मॉल कैप आधे परसेंट तेज, एंड निफ्टी में एंड सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी 1.5%, सेंसेक्स एंड निफ्टी 1% की तेजी, बट सिलेक्टिव काउंटर्स भागे और बहुत तेज भागे। FMCG तो 2.5% तो इंडेक्स ऊपर बंद हुई है, एंड इसमें स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखें तो लगभग ब्रिटेनिया, HUL ये तो 4% से भी ज्यादा भागते हुए दिखे। इनफैक्ट ब्रिटेनिया तो 5% तक भागा, कॉलगेट 2.5%, डावर 2%, इमामी 6%, गोदरेज CP 6%, तो बहुत ही शानदार तेजी बनी। कल मैंने आप सभी के साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करी जो पोर्टफोलियो लाइक वीडियो थी। आप सभी से मैंने हर एक सेक्टर से एक एक टॉपिक दी, FMCG से गोदरेज CP दिया, ब्रिटेनिया दिया, दोनों आज स्टॉक 6% तेज है। एंड आप सभी के साथ आज की जो ये वीडियो है इसमें मैं ऐसे स्टॉक्स आपको बताने वाला हूं जो स्टॉक इस खबर के बाद जो आज आई है, खबर मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूं। सबसे पहले गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ आ रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, तो प्लीज इसको लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। खबर ये है कि हमारी गिरावट के पीछे का मेन कारण क्या है, इनफैक्ट पूरी ग्लोबली जो गिरावट चल रही है उसका मेन कारण क्या है, सबको पता है, इन्फ्लेशन। हमारी इकोनॉमी मिनिस्टर ने कहीं ना कहीं कहा कि अगर कच्चा तेल नीचे आ जाए ना तो 75% इन्फ्लेशन वैसे ही कम हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं, आप स्टॉक मार्केट में हो तो आपके लिए फायदे वाले स्टॉक हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो आपके घर की किचन थोड़ी सस्ती होने वाली है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी आज सरकार ने, क्या है देखिए, एडिबल ऑयल। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, एडिबल होता क्या है एडिबल ऑयल। ये एडिबल ऑयल वो होते हैं जो आप लोग किचन में इस्तेमाल करते हैं। पाम ऑयल, ये वो पाम ऑयल होता है जो कंपनियां एज अ रॉ मटेरियल यूज करती हैं। कौन सी कंपनी यूज करती है? FMCG बिस्कुट बनाने में, एंड इनको जो प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं अपने, उनमें जो मटेरियल यूज होता है वो पाम ऑयल ही होता है, एंड ये इनके लिए बहुत ही ज्यादा मार्जिन वाला फर्क कर देता है। मतलब पाम ऑयल महंगा है ना तो इनके मार्जिन पे इंपैक्ट हैवी आने वाला है, पाम ऑयल सस्ता है इनके मार्जिन पे इंपैक्ट हैवी पॉजिटिव साइड पे। अब आज के सेशन में क्या हुआ, एडिबल ऑयल पे सरकार ने थोड़े दिन पहले 10 से 15 रुपए पर लीटर घटाए थे, ठीक है, MRP पे, जो आपके घर में रिफाइंड वगैरह आती है, तेल वगैरह आता है उस पे, खाद्य तेल जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है, उस पे। लेकिन सरकार ने देखा, ये कंपनियों ने घटाया, लेकिन सरकार ने देखा यार प्राइस तो बहुत कम हो गया है कमोडिटी में, एंड आप लोग केवल 10 से 15, एंड ऐसे में सरकार ने आज एक बहुत बड़ा फैसला दिया। क्या दिया? 20 रुपए पर लीटर सस्ता कर दिया एडिबल ऑयल। अब देखिए 20 रुपए पर लीटर, ये MRP पे भी आपकी, फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए है ना तो MRP तो अब 80 रुपए की MRP हो जाएगी, तो MRP पे 20 रुपए पर लीटर सस्ता हो गया। अब दो तरीके से देखा जा सकता है, एक जो एडिबल ऑयल बनाती है उनके लिए तो नेगेटिव हो गया, लेकिन जो इसे यूज करते हैं उनके लिए पॉजिटिव। अब यूज कौन करता है? आप करते हो, मैं करता हूं, ये तो हो गया हमारे घर की बात, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक भी तो देखिए आप, जो कंपनियां इन्हें खरीदती थी उनको अब कितना सस्ता पड़ेगा। अब ऐसी ही कुछ कंपनियां जिनके लिए फायदेमंद है एंड जिनके लिए नुकसान वाली खबर है, ये दोनों आपके साथ एक एक करके शेयर करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं नुकसान वाली कंपनियों के।
अब भाई जो इस तेल को प्रोड्यूस बनाते हैं उनके लिए तो लॉस, क्योंकि उन्हें पहले 100 रुपए मिल रहे थे, अब 80 रुपए मिलेंगे पर लीटर के। ठीक है, तो बनाने वाली कुछ कंपनियां मैं आपको स्टॉक्स के साथ बताऊं। सबसे पहले तो अदानी विलमार, जिसपे ज्यादा कोई इंपैक्ट आपने आज के सेशन में देखा भी नहीं है, फ्लैट टू नेगेटिव ही बंद हुआ है। एंड ये स्टॉक ज्यादातर हम सभी देखते हैं कि भाई फर्क नहीं पड़ता इस स्टॉक पे, खबर का मार्केट का कुछ नहीं, अपने हिसाब से चलता है अदानी के सारे ग्रुप सारे स्टॉक मैक्सिमम। सेकंड रुचि सोया, स्टॉक में ज्यादा गिरावट इसमें भी नहीं दिखी, हल्की सी गिरावट थी 1.5% की, इसके लिए ये नेगेटिव खबर है। थर्ड स्टॉक की बात करूं तो गोदरेज एग्रोवेट। अब गोदरेज एग्रोवेट को देखें तो गोदरेज एग्रोवेट पे भी कोई ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा, इनफैक्ट फ्लैट टू पॉजिटिव। बट आप दूसरी तरफ से देखो तो इतनी अच्छी मार्केट में ये स्टॉक हरे निशान में नहीं आ पाए। तो ये इन तीन शेयर एंड छोटी छोटी और भी कंपनियां, बट मेनली यही तीन स्टॉक्स हैं जिन पे नेगेटिव है। अब पॉजिटिव आइए, पॉजिटिव वालों ने तो भाई मार्केट को तूफान में घुमा दिया आज। सबसे पहले एफएमसीजी स्टॉक्स, जो इनके लिए रॉ मटेरियल है, आज पूरे एफएमसीजी में अगर मैं बात करूं तो बात करने वाला कुछ है नहीं, सारे ही भागे हैं। सेकंड क्रूड ऑयल भी नीचे आया है। क्रूड ऑयल का फायदा किसे होता है, देखिए अब ये तो हो गई खाने पीने वाली बात, क्रूड कच्चा तेल तो हम खाते नहीं ना, हम तो एडिबल ऑयल करते हैं यूज। अब कच्चा तेल भाई किसके लिए फायदेमंद है, वो है पेंट कंपनियों के लिए फायदेमंद, वो है टायर कंपनियों के लिए फायदेमंद। अब हुआ क्या, आज पेंट स्टॉक्स में एशियन पेंट देख लीजिए आप, शानदार रैली दिखाता हुआ दिख रहा है। टायर स्टॉक्स भी आप देखिए, जेके टायर, सीएट, अपोलो, एमआरएफ, ये भी शानदार तेजी दिखाते हुए। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जो आपके लिए न्यूज बेस्ड थे। अब काफी लोगों के दिमाग में सवाल हो रहा होगा कि कल खरीद लें भाई, इन्हें आज तो नहीं खरीद पाए, तो इसका जवाब होगा रुकिए, दोबारा लेवल्स मिलेंगे एंड इनका इंपैक्ट इनके रिजल्ट्स पे आएगा। एंड रिजल्ट्स पे इंपैक्ट आने का मतलब है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता हुआ दिख रहा है। लॉन्ग टर्म मतलब 3 महीने, 6 महीने, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर के लिए, उसके बाद दोबारा प्राइस में चेंज हो सकता है, अभी तो नहीं मुझे लगता है। क्यों, क्योंकि भाई इन्फ्लेशन को नीचे लाना है तो प्राइस को घटाना ही पड़ेगा, एंड ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी है इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए। इन्फ्लेशन नीचे आएगा ना तो हम लोग ड्राइविंग सीट पे इस टाइम ऊपर ले जाने वाली, एंड जो नीचे जाने वाली ड्राइविंग सीट है ना वो डाउ जोन्स के हाथ में दे रखी है हम लोगों ने। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक्स ऐसे हैं जिन पे आपको फोकस रखना चाहिए। होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।